दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक उपाय शेयर करने वाली हूँ। इसे करके आप अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, घर में धन दौलत सुख समृद्धि की बरसात भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में पैसों की बरकत नहीं होती, अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसा आता तो है पर वो रुकता नहीं है, बह जाता है, तो ऐसे में पैसों को जोड़ के रखने के लिए, घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए सिर्फ एक आसान सा उपाय बता रही हूँ मैं आपको, जिसे करके आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर हो सकते हैं। तो क्या है वो उपाय, चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कई सारे हेल्पफुल वीडियोस मैं डेली आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जो कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम की, छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आपको रविवार के दिन करना है, ठीक है। एक ही बार इस उपाय को करना है और फिर करके आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपको साथ ही दिनों में अपने घर में महसूस होने लगेगा। क्या करना है आपको, लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल रंग जो होता है ये शांति, ये एक एनर्जी का प्रतीक होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका प्रतीक होता है, सुख का प्रतीक होता है, लाभ का प्रतीक होता है और शुभ का प्रतीक होता है। तो लाल कपड़ा हमको ले लेना है। अब इस लाल कपड़े में हमें लेना है राई, ठीक है। काली राई जो होती है, ब्लैक मस्टर्ड सीड जिन्हें कहा जाता है, ये जो राई होते हैं इसे आपको ले लेना है। कितनी लेंगे, आधा चम्मच के करीब आप राई ले लीजिए। साथ में आपको लेना है खड़ा नमक, ठीक है। खड़ा नमक जो डलिया वाला नमक होता है, समुद्री नमक जिसे कहा जाता है, खड़ा नमक ले लेना है। 5 डलियां लेनी है आपको खड़े नमक की, ठीक है। छोटी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में आपको लेना है साबुत धनिया, ठीक है। साबुत धनिया, सूखा धनिया जिसे कहा जाता है, वो भी आप थोड़ा सा ले लेंगे। और एक ले लेंगे हल्दी की गठान, ठीक है। मैंने जो जो चीज़ें बताई आप ध्यान से फिर से सुन लें। लाल कपड़ा लेना है, काली राई लेनी है, सूखा धनिया लेना है, खड़ा नमक लेना है और एक हल्दी की गठान लेनी है। अब इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। पोटली बनाने के बाद में आपके घर का जो मेन द्वार होता है, मेन गेट जिसे कहा जाता है, वहां पर आप इसे लटका देंगे, ठीक है। लटकाएंगे ऐसा है, चाहे किसी को दिख रहा हो तो दिखने दो, कोई परेशानी नहीं है, बस आप इसे लटका देंगे। लटकाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जो आपको जाप करना है, वो मंत्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस मंत्र का जाप आपको लटकाते समय करना है, ठीक है। आप लटकाए, आपके घर का कोई सदस्य इसे लटकाए, जाप आप भी करेंगे तो चलेगा, जो व्यक्ति लटका रहा है वो भी करेगा तो चलेगा, ठीक है। और सब करेंगे तो भी चलेगा, बस इसे लटका दीजिए और फिर साथ ही दिन में आप चमत्कार देखने लग जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने हमने जो चीज़ें ली, राई जो होती है ये भी पॉजिटिविटी का प्रतीक होती है, नमक हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का काम करेगा, हल्दी जो होती है ये सुख समृद्धि को लेकर आती है, और साथ में धनिया जो होता है ये घर में बरकत को लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे गेट पर टंगेगी तो ये सारी जिन जो जो परेशानियाँ हैं वो हमसे दूर जाएगी, नेगेटिविटी बाहर जाएगी, सुख समृद्धि हमारे घर में आएगी। तो इस उपाय को आप कीजिए और फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। आपकी हर तरह से मदद करने के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।